हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं हूँ अभिषेक। एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बात करेंगे फिल्म आवारा पागल दीवाना, मतलब इस फिल्म का बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस पे कितना कलेक्शन किया था, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस में क्या वर्डिक्ट था वो जानेंगे। मेरा छोटा सा रिव्यू भी शेयर करूँगा इस फिल्म के बारे में, और आखिर में इस फिल्म से जुड़ी कुछ अननोन फैक्ट भी शेयर करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, छोटा वीडियो है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आवारा पागल दीवाना आज से ठीक 22 साल पहले, मतलब 21 जून 2002 को रिलीज हुआ था। फिल्म के लीड रोल में थे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफताब सिद्धसानी, परेश रावल, जॉनी लीवर, आरती छाबड़िया, प्रीति जंगानिया, क्या नाम है पता नहीं, जंगियानी कुछ भी होगा, और अमृता अरोड़ा, राहुल देव, या पिलगांवकर समथिंग क्या नाम है, ओम पुरी, और भी बहुत सारे सह कलाकार इस फिल्म में थे। आवारा पागल दीवाना एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। फिल्म को डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने, और प्रोड्यूस किया था एजी नादियरवाला और फिरोज नादियरवाला ने। म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक ने, और गाने लिखे थे समीर ने। फिल्म का बजट था 13 करोड़, और इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे इनकम किया था 1.53 करोड़, और पहले वीकेंड के बाद इस फिल्म का कलेक्शन था 4.43 करोड़। पहले वीक में इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 7.66 करोड़, और इस फिल्म का ओवरऑल नेट इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन था 16.02 करोड़, और बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज फिल्म साबित हुआ था। लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, अगर आपको चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। लेकिन उस टाइप के हिसाब से ये एवरेज वर्डिक्ट आज के हिसाब से एक सेमी हिट है, मतलब ये फिल्म आप लोग आज के हिसाब से एक सेमी हिट फिल्म समझ सकते हो। लेकिन उस टाइम पे एक एवरेज होना भी बहुत बड़ी बात थी फिल्मों का, क्योंकि उतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म था नहीं जो आज है, जो आज अवेलेबल है। अगर इस फिल्म के बारे में मैं आपका छोटा सा रिव्यू शेयर करूँ दोस्तों, एक ही लाइन में बोलूँगा, एक आउट एंड आउट वेल एंटरटेनिंग कॉमेडी मूवी है। डेफिनेटली अगर आप लोग देखोगे तो निराश नहीं होंगे, बहुत ही हंसी मजाक से भरपूर ये फिल्म है, कॉमेडी सीन भरपूर है, और जो नाम लेना वो है परेश रावल और जॉनी लीवर, मतलब इस फिल्म का जान है वो दो कैरेक्टर। हालांकि अक्षय कुमार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है एज ए डॉन, गुरुगुला कत्री, सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन परेश रावल और जॉनी लीवर नेल द शो, मतलब इन दोनों बंदे ने जो काम किया है दोस्तों, इनके लिए हैट्स ऑफ। इस फिल्म का जान है ये दो कैरेक्टर, मतलब परेश रावल जो भूल जाते हैं, और जॉनी लीवर जो कि हकलाते हैं, बहुत ही बढ़िया काम इन दोनों ने किया है। सभी सुनील शेट्टी का काम भी बहुत ही बढ़िया है इस फिल्म में, एरा अन्ना और आफताब ने भी ठीक ठाक काम किया है, सभी का काम बेहतरीन है। एक वेल एंटरटेनिंग कॉमेडी मूवी है, अच्छे गाने भी है, अनु मलिक की म्यूजिक है, बहुत ही बढ़िया गाने अनु मलिक ने दिया है इस फिल्म में। ओवरऑल आप निराश नहीं होंगे, मैं ये कह सकता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये फिल्म, मुझे ये फिल्म खास पसंद है। जब भी मैं इस फिल्म को देखता हूँ मैं एंटरटेन होता हूँ। डेफिनेटली मनोरंजन है इस फिल्म में, कॉमेडी है, आपको हंसाने में ये फिल्म जरूर कामयाब होगा, आप लोग देख सकते हो इस फिल्म को। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में अगर कुछ फैक्ट शेयर करूँ, इस फिल्म में पहले राहुल देव के रोल के लिए जैकी श्रॉफ को साइन किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश वो इस रोल को कर नहीं पाए, और फाइनली राहुल देव को लिया गया। तो इस फिल्म में आरती छाबड़िया जो अक्षय कुमार के ऑपोजिट दिखी, लेकिन पहले इस रोल के लिए ट्विंकल खन्ना को ऑफर किया गया था, और उस हिसाब से इस कैरेक्टर का नाम भी टीना था, जो कि ट्विंकल खन्ना की पेट नेम है, लेकिन कुछ कारणवश ट्विंकल खन्ना इस रोल को कर नहीं पाई, और फाइनली आरती छाबड़िया को लिया गया। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ फैक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर किसी फिल्म के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। टिल देन, टाटा बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।